कोलकाता से दिल्ली जाने वाली सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कल रात करीबन 12 बजे खड़े ट्रक की केबिन में संदिग्ध हालत में आग लग गई। इससे ट्रक के अंदर मौजूद ड्राइवर खाना खाने होटल में गया था। हाईवे पर ट्रक से आग की लपटें निकलती देख हड़कंप मच गया। कुल्टी थाना अंतर्गत चौरंगी फाड़ी पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाया। ड्राइवर ने बताया कि वह ट्रक लेकर पश्चिम बंगाल के हल्दिया जिले से लोड का कानपुर जाने के दौरान चौरंगी फाड़ी अंतर्गत सम्राट होटल में ट्रक खड़ा था। इसके बाद अचानक ट्रक की केबिन में आग लग गई। ये देख आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। एक घंटे की मशक्कत के बाद पूरी तरह से आग पर काबू पाया गया। जिस दौरान आगजनी की ये घटना हुई उस समय ट्रैफिक ज्यादा नहीं था, जिसके चलते कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अगर ज्यादा वाहन यहां होते तो अन्य वाहनों की चपेट में आने से हादसे की भयावहता बढ़ सकती थी। जिस वक्त ट्रक में आग लगी उस समय कतार में लगे हुए ट्रकों को तुरंत ही पीछे हटाया गया। घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। गाड़ी खड़ा करके गया है, उसमें देख रहा हूँ कि आग लग गई अपने आप। उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं जी। कहाँ से आ रहे थे? मैं हल्दिया से आ रहा हूँ जी। कहाँ जा रहे थे? मैं जा रहा हूँ कानपुर। आग कहाँ लगा? आग यहीं लगा है जी। आप कहाँ गए थे? आप कहाँ गए थे? मैं तो रोटी खाने गया हूँ भाई। गाड़ी खड़ा करके रोटी भी नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे? कैसे लगा आपको? कैसे लग रहे कि आग कैसे लग गया गाड़ी? अब कहीं तार शॉर्ट कर गया होगा, इसी का लगा होगा। और कुछ तो हम उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। हम तो उसमें ऐसा गाड़ी खड़ा करके आराम से अपना रोटी खाने गया हूँ मैं। आपका नाम? सुनील सिंह है।